बताइएगा कहाँ तक आपने पढ़ लिया था। हमने सर वो अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ा था सर, क्या है एस्पार्टेम? स्वीटनर है सर, आर्टिफिशियल स्वीटनर। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं इसमें? एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलानाइन। एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइलएलानिन। ये हुआ था ना? नहीं सर, ये नहीं हुआ था। जो कुछ भी प्रोटीन हमने देखा, ठीक है, तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर ऑफ व्हाट? किसका पॉलीमर है? अमाइनो एसिड्स का सर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। तो क्या प्रोटीन केवल अमाइनो एसिड ही होता है कि अमाइनो एसिड के अलावा भी कुछ प्रेजेंट हो सकता है? नहीं सर, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स ही है सर। और इसमें नहीं घुसा है प्रेजेंट अमाइनो एसिड के साथ में या प्रोटीन के साथ में अटैच्ड? जनरली क्या होता है कि बहुत सारे प्रोटीन ऐसे हैं जो किसी और भी कंपोनेंट के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन। यानी प्रोटीन को देखा जाए तो ये दो तरह के हैं। एक है सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कहने का मतलब है इसमें केवल अमीनो एसिड है और कुछ नहीं अटैच्ड है। और दूसरा होता है कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड होते हैं साथ में, ठीक है। पूरे स्टेटमेंट को हम लोग पढ़े तो यहाँ पे मेंशन है कि मेनी प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल राइबोन्यूक्लियेज ए, कौन सा एग्जांपल है, राइबोन्यूक्लियेज ए एंड काइमोट्रिप्सिन कंटेन ओनली अमाइनो एसिड रेसिड्यू। यानी कि दो एग्जाम्पल हमको मिल गए, एक राइबोन्यूक्लियस ए और काइमोट्रिप्सिन। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? सिंपल प्रोटीन के। समझ में आया? जी सर, सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? राइबोन्यूक्लियस ए एंड काइमोट्रिप्सिन। सिंपल प्रोटीन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि केवल अमाइनो एसिड रेसिड्यू है इसमें, उसके अलावा कोई दूसरा कंस्टिट्यूएंट्स नहीं है। जबकि कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट भी अटैच्ड होते हैं। जो नॉन प्रोटीन पार्ट है या नॉन अमाइनो एसिड जो इसमें होगा, उस नॉन अमाइनो एसिड को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक। ग्रुप। और वह प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या कुछ मेटल हो सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग उस कंजुगेटेड प्रोटीन का हम लोग नाम देते हैं। अगर प्रोटीन के साथ लिपिड अटैच है तो हम उसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन। अगर प्रोटीन के साथ कोई कार्बोहाइड्रेट पार्ट अटैच है तो हम उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कुछ यदि मेटल अटैच है तो हम उसको मिटैलोप्रोटीन कहते हैं। क्लियर है? जी सर, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्यों जरूरी है, क्यों अटैच होता है किसी किसी प्रोटीन के साथ? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एसेंशियल, फंक्शनल प्रॉपर्टीज देने के लिए सर। उसको प्रॉपर्टी देने के लिए, उसको फंक्शनल बनाने के लिए, ठीक है ना। यूजुअली द प्रोस्थेटिक ग्रुप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोटीन्स बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है ना। उसको बायोलॉजिकल फंक्शन देने के लिए ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर, फिर ये सिंपल और कॉन्जुगेटेड का फंक्शन में डिफरेंस क्या है सर? ये सिंपल प्रोटीन को प्रोस्थेटिक ग्रुप के रिक्वायरमेंट नहीं है, ये डबल प्रोस्थेटिक ग्रुप फंक्शनली है, फंक्शनल एक्टिव है। और ये जो प्रोटीन है इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए तभी एक्टिव हो पाएगा। डिफरेंस है, सिंपल प्रोटीन विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप भी क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, और ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप चाहिए तभी एक्टिव हो पाता है। और फिर ये सर सिंपल प्रोटीन भी बायोलॉजिकल फंक्शन में काम करता है ना सर? जी बिल्कुल करेगा। राइबोन्यूक्लियस ए का हम लोग फंक्शन देख सकते हैं, बहुत जगहों पे मिलेगा, आगे हम पढ़ाएंगे भी। काइमोट्रिप्सिन भी फंक्शन करता है। काइमोट्रिप्सिन हम लोग देखेंगे कि जो प्रोटीन है प्रोटीन को क्लीव करने में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, साइनोजन ब्रोमाइड, बहुत सारे इंजाइम्स हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन को कैसे क्लीव किया जाए, ब्रेक किया जाए, तो उसमें काइमोट्रिप्सिन का रोल है। ये दोनों ही जो इंजाइम है, राइबोन्यूक्लियस और काइमोट्रिप्सिन, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके सर।